वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट, प्लीज सेशंस को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही अच्छा सेशंस है। अगर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स का हो, चाहे आपके एसएससी के एस्पिरेंट्स हो, एसएससी सीजीएलसी एचएसएल रेलवे एग्जाम्स हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, तो सभी में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ओके, जिसमें अपन बात करेंगे बैंकिंग गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी के, इंटरनेशनल सफर्स, नेशनल सफर्स, कोई बुक्स अगर रिलीज होती है तो बुक्स, एंड देन कोई डेज इम्पोर्टेंट रहता है तो डेज, यानी कि ऑल ओवर टाइप की जो न्यूज है वह अपन यहाँ पर बात करेंगे। इधर उधर की कोई भी बात नहीं होगी, बिल्कुल एकदम एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एग्जाम्स ओरिएंटेड न्यूज वही अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड अच्छा लगे वीडियो तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिएगा, एंड इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ओके, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, तो मैं मंथली बेसिस पर एक टॉप 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपके लिए बनाता हूँ। यानी कि प्रत्येक मंथ के एंड में मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्मेट में देता हूँ। जैसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च एंड देन अभी जो अप्रैल गया है उसका भी मैंने पीडीएफ दे दिया है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, वेल एंड गुड, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंटेंट बहुत अच्छा है, एक बार आप जरूर इस पे डाउनलोड करके पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट, टॉपिक बेस पर जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि अपॉइंटमेंट का आपके सामने वीडियो जो मैंने थंबनेल दे रखा है, उसी प्रकार आपके ऑब्चुरीज अप्रैल मंथ की, उसी प्रकार डेज हाइट, उसी प्रकार आपकी ऑल ओवर कंप्लीट बुक्स हो गई, यानी कि सभी की सभी जो एग्जाम्स में पूछी जाती है एक एक क्वेश्चन, उनके टॉपिक बेस पर वीडियोज मैं बनाता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मैंने दे दिए हैं, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो प्लीज़ नोट डाउन जरूर करिएगा। अब एक क्वेश्चन, जैसा कि प्रत्येक वीडियोज में मेरा क्वेश्चन होमवर्क रहता है, तो आज का कल का जो क्वेश्चन था आपकी, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ए सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, राइट। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, उसके नए चेयरपर्सन के रूप में, नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द राजेश बंसल। राजेश बंसल हैं जो कि न्यू सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं आपकी आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, राइट। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की न्यू सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको, तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नियुक्ति भी इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास रिसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25th गवर्नर हैं, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास 25th गवर्नर।
एक नाम हो याद रखिएगा, उर्जित पटेल, क्योंकि 24th गवर्नर है, 24th गवर्नर है उर्जित पटेल, राइट। रघुराम राजन जो कि आपके 23rd गवर्नर है, राइट। पर्टिकुलर रिजर्व बैंक इनोवेशन सबका काम होता है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज होती है, उनकी देख रेख करना, राइट। रिजर्व बैंक इनोवेशन सबका, इज इट क्लियर। राजेश बंसल एज अ न्यू सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, डेफिनेटली बैंकिंग का पार्ट या क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये कटिंग से न्यूज़पेपर्स की। नेक्स्ट है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल से दैट इज द जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल से रखती है रायपुर, राइट। जो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट है, राइट, उसके छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में पीके मिश्रा, शॉर्ट में नाम याद रखिएगा, प्रशांत कुमार मिश्रा इनका पूरा नेम है, जो कि चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त तो हुए हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स भूपेश बघेल साहब है, भूपेश बघेल अनुसुईया उइके इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। ओके, एक स्कीम चलाई जाती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, गोधन न्याय स्कीम, एक स्कीम और चलाई जाती है, एक योजना और है, दैट इज द राजीव गांधी राजीव गांधी जिनकी जो किसानों के ऊपर एक स्कीम है, राइट, राजीव गांधी न्याय योजना, क्लियर। ओके, समझ में आया आपको। एंड देन छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, आपने सुना होगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में ही है। एक अब कल भी रिसेंट में न्यूज में था, आपके छत्तीसगढ़ स्टेट मातहारी, जो एक न्यूज मातहारी एक योजना है, एक स्कीम है, जो आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, याद रखिएगा, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। इस पे 1 से लगाकर 9 तक जो भी स्टूडेंट, 8 तक जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको 500 रुपये, 9 से लगाकर आपकी कंटिन्यू 12वीं तक पढ़ते हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ मातहारी स्कीम के तहत दिया जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, शोमाज फर्स्ट फीमेल पीएम लॉक्ड आउट ऑफ पार्लियामेंट बाय लूजिंग अपोनेंट। शोमाज फर्स्ट फीमेल है, शोमाज की पहली ऐसी महिला बन गई है जो कि आपकी एज अ प्राइम मिनिस्टर्स, यानी कि पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में शपथ ली है। ओके, प्राइम मिनिस्टर्स बनी है सोमा, जो कंट्री है उसकी पहली महिला है जो कि आपकी प्राइम मिनिस्टर्स बनी है। ओके, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, ये आपकी पहली महिला बनी है सोमा, जो कंट्री है उसकी, राइट। इनका नेम है दैट इज द फियामी, राइट, फियामी, फियामी नाओ में, राइट, नाओ में मातफा, राइट, नाम याद रखिएगा मातफा, जो कि आपकी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त तो हुई है सोमाज कंट्री की। आपके लिए स्टैटिक का क्वेश्चंस बनेगा, तो याद रखिएगा कैपिटल्स इज द अपया, इज द कैपिटल्स ऑफ आपकी सोमा की, एंड कैपिटल से शोमा की, एंड कैपिटल जो की अपया एंड टाला,
शोमानिया टागा जो कि आपकी करेंसी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्टैटिक का क्वेश्चन यहाँ से आपसे बना सकता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपकी सोमाज अपने कंट्री का नेम सुना होगा, उसकी न्यू प्राइम मिनिस्टर्स बनी है। पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पर एक महिला प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में बनी है, राइट। महिला का नेम है फियामी नाओमी एंड माटाफा, क्लियर। सोमा के कैपिटल्स अपिया होगी एंड टाला इज द करेंसी ऑफ सोमा। नेक्स्ट बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डे, राइट। वर्ल्ड टर्टल डे, टर्टल्स यानी कि होता है कछुआ, यानी कि विश्व कछुआ दिवस है, जो हर साल अपने भारत में कौन सी तारीख को आपकी बनाया जाता है, ओके। वर्ल्ड टर्टल डे माय डियर एस्पिरेंट्स आपके बनाया जाता है, दैट इज द 23rd of May को, यानी कि 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में बनाते हैं, ओके। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम रही थी दैट इज द टर्टल्स रॉक्स, राइट। टर्टल्स रॉक्स, दैट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे, याद रखिएगा, ओके। अभी तक डेज के रिगार्डिंग बात करें तो अपन ने अभी तक, यानी कि आज है आपके 26th of May तक, कौन कौन से डेज पढ़े हैं। पहला पढ़ा था इंटरनेशनल लेबर्स डे, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। दूसरा पढ़ा था वर्ल्ड लाफ्टर डे 2nd of May को। तीसरा पढ़ा था अपन ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि 3 मई को आपके बनाया जाता है। फिर आता है 4th अस्थमा डे 4th पोजिशन, यानी कि 4th of May को। फिर आता है आपकी, दैट इज द 7th of May को, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7th of May को बनाते हैं। फिर आता है 9th of May, यानी कि 9 मई को, 9 मई को अपन बनाते हैं मदर्स डे के रूप में, याद रखिएगा। फिर आता है 11th of May को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल्स टेक्नोलॉजी डे, जो कि 11th of May को। फिर आता है 12 मई को, 12 मई को आपके बनाते हैं नर्स डे, राइट। 12 मई को नर्स डे। फिर आता है 15th of May को, 15th of May को इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिसको आप कह सकते हैं, वह 15 मई को आपके बनाया जाता है। तो ये 15 मई तक क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जो कि 18 मई को बनाया जाता है, ओके। फिर आता है 20 मई को वर्ल्ड बी डे, जो कि आपकी 20 मई को बनाया जाता है, ओके। इज इट क्लियर, समझ में आया। फिर 23 मई को, 23rd of May, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस, जो कि आपकी 23 मई को बनाते हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट, यह एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, रिसेंट में हाईलाइट में भी था, न्यूज में भी था, आई होप आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा मेरे चैनल्स पे। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, राइट। मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, राइट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बनेगा सतपुड़ा से रिलेटेड, ओके। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो गई आपकी इंदौर। शिवराज सिंह चौहान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, आपकी शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश की। आनंदीबेन पटेल, जिनको उत्तर प्रदेश का भी चार्ज है, वह भी आपकी गवर्नर हैं मध्य प्रदेश स्टेट की, राइट। कान्हा कुनू
कहना कोनो, पेंच, पन्ना, सारे के सारे आपकी इंपॉर्टेंट है। संजय नेशनल्स पर, ये सारे सारे नेशनल्स पार्क है। कान्हा कोनो, संजय, राइट, पन्ना, पेंच, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल्स पार्क है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जो कि माइंड एरियाज ब्रांच यूनेस्को ने, जो सिक्स साइट, सिक्स यूनेस्को हेरिटेज साइट्स थी जो कि इंडिया की थी, उनको इंक्लूड किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ओके, पूरी डिटेल्स भी मैं आपके पक्को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उनको शामिल किया है। आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ एट वाराणसी, जो वाराणसी के घाट हैं, वाराणसी में जो घाट हैं बहुत ही अच्छे और लोकप्रिय हो गए हैं, उनको भी यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। हायर बैंकल्स एंड मेगालिथिक टाइट साइट, ओके, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर्स एंड महाराष्ट्र, मराठा मिलिट्री का जो आर्किटेक्चर है महाराष्ट्र में, उनको भी इसमें इंक्लूड किया है, राइट। नेक्स्ट आपका बेहतरगढ़ लामेटगढ़ इन नर्मदा वैली जबलपुर, राइट, एंड द टेंपल ऑफ कंचीपुरम इन तमिलनाडु, राइट, याद रखिएगा। ये टोटल सिक्स ऐसे साइट्स एंड सिक्स ऐसे साइट्स कोई भी जिसको आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्कीम शुरुआत की गई है, कौन सी ऐसे स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बनेगा। तो वात्सल्य योजना है जो कि आपकी उत्तराखंड स्टेट की है, याद रखिएगा। इसके माध्यम से वहाँ जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, राइट, इस स्कीम के माध्यम से उन फाइनेंशियल्स, इन लोगों को सपोर्ट करना फाइनेंशियल्स जिनके माता पिता, राइट, खो गए हैं, राइट, इन कोरोना वायरस के माता पिता हैं जिनका देहांत हो गया है, निधन हो गया है, राइट, उनके लिए एक स्कीम शुरुआत की है वात्सल्य योजना। ओके, वात्सल्य योजना, तो आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। तीरथ सिंह रावत रिसेंट में चीफ मिनिस्टर से, याद रखिएगा, बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की गवर्नर है, याद रखिएगा। ओके, उत्तराखंड की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। इज इट क्लियर, समझ में आया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, फ्लावर वैली नेशनल पार्क जो कि इंडिया का, जो कि जिनको भी आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है, याद रखिएगा। टहरी डैम जो कि आपके टहरी डैम जो कि आपकी उत्तराखंड में ही स्थित है, याद रखिएगा, टहरी डैम। इज इट क्लियर। राजा जी नेशनल पार्क आपने सुना होगा, हाँ बिल्कुल, आपके उत्तराखंड में ही स्थित है, याद रखिएगा, राजा जी नेशनल पार्क। उत्तराखंड गवर्नमेंट 3,000 पर मंथ टू कोविड ऑपरेट। ओके, उस कोरियोग्राफर का नाम बताइए हु बिकेम द फर्स्ट इंडियंस टू वन द 10th एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। जो 10वां एक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जो सबमिट था, किया गया था, वह भारत में से किसको मिला है, तो वह मिले हैं, दैट इज द सुरेश मुकुंद हैं जो कि आपकी भारत की तरफ से वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले विनर, फर्स्ट विनर के बने हैं, याद रखिएगा। ओके, हु वॉज इलेक्टेड टू बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ 2021-21 अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल ने किस व्यक्ति को आज काउंसिल का चेयरपर्सन चुना है, राइट, तो वह चुने हैं, दैट इज द हेमंतो विश्व शर्मा, राइट।
हेमंतो विश्व शर्मा जो कि रिसेंट में 15वें 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हेमंतो विश्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर थे, इससे पहले सर्वानंद सोनोवाल थे। अब इनको उनको हटाने के बाद बीजेपी की जो गवर्नमेंट है हेमंतो विश्व शर्मा को बनाया गया है। ओके, वेन एंड वेयर इज द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंडिया। अंडर 17 फुटबॉल जो आपका कप है राइट, अंडर 17 का राइट, अंडर 17 का वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंडिया राइट, तो वह होगा दैट इज द इंडिया में अक्टूबर 2022 में, 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप किया जाए। ओके, नरेंद्र बत्रा, ये कल भी मैंने न्यूज डिस्कस की थी, ऑफ इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन राइट। भारत में नरेंद्र बत्रा हैं जो कि किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त चुने गए हैं, तो वह चुने गए हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन राइट। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को बहुत ही कम मार्जिन यानी कि 2 मार्जिन से उन्होंने इनको आपकी हरा दिया है, नरेंद्र बत्रा ने। ओके, 2 वोट से ओनली, पहले भी आपके यही थे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष, अभी भी आपके यही हैं। वेटरन कांग्रेस लीडर जगन्नाथ पहाड़िया पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट राइट। जगन्नाथ पहाड़िया है जो कि जिन्होंने जिनका निधन हो चुका है राइट, तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं, तो वह माइडियस्पंच राजस्थान स्टेट है, उसकी चीफ मिनिस्टर्स के रूप में भी रह चुके हैं। ओके, क्लियर, जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट इन टेनिस, टेनिस के अंदर हु वन द वुमन सिंगल्स टाइटल्स इन द इटालियन ओपन राइट। इटालियन ओपन में 2021 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली कौन है, यानी कि महिला की श्रेणी पूछा है, वुमन सीरीज फीमेल और मेन्स राइट, मेन सीरीज मैंने नहीं पूछी है याद रखिएगा, तो वह है दैट इज द ईगा श्वेतक, ईगा श्वेतक। इज इट क्लियर, समझ में आया, ये मेन सिंगल्स का जो टाइटल्स था। एंड आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपकी ये आपकी वुमेन्स का था मेन्स का जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है अनातोले कॉलिनेट मोकासो, जिन जो कि रिसेंट में एज प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, किस कंट्री से प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ओके, तो ओवरऑल वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे जीके, और कंटिन्यू रखिए। ओके, कंटिन्यूटी मेंटेन जरूर करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।